हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको बताएं लघुत्तम ज्ञात करना। लघुत्तम ज्ञात करना बता रहे हैं, इसके पीछे के वीडियो में भी हमने आपको लघुत्तम बताया था कि टाइप 1 में भी बताया था और टाइप 2 में भी, और टाइप 3 में भी हम आपको इन संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करना सिखाएंगे। हमने बताया था कि लघुत्तम दो संख्याओं से हैं, दो संख्या या दो से ज़्यादा संख्याओं तो लघुत्तम निकाला जा सकता है। तो दो संख्या इनमें लघुत्तम निकाला जाता है, जो भी दो संख्या जो एक संख्या आ जाए तो उनका लघुत्तम नहीं निकाला जाता। ठीक है, बात जहाँ जरा सी है तो देखो भैया, इनको लघुत्तम हम क्यों सिखा रहे हैं? आपको भिन्न सीखना तो लघुत्तम तो सीखना पड़ा गया, और अगर आप लघुत्तम बनता तो आप भिन्न सीखने भिन्न लगा दोगे, फट से लगा दोगे। इसलिए हम आपको लघुत्तम बता रहे हैं, लघुत्तम की बहुत ज़रूरत है अपन का। अगर लघुत्तम नहीं बना तो भिन्न नहीं बनेंगी, और भिन्न नहीं बनेंगे तो बाकी के सवाल आप लगाओगे कैसे गणित के? भिन्नों पर ही सब सवाल टिका रहता है। तो भैया यार, सब अच्छे से पढ़ते जाओ। अगर आपको कुछ सीखने की इच्छा है ना तो आप लोग पढ़ो तन मन से। जितना आप पढ़ोगे तो उतना ही आपकी इच्छा होगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपकी 1% इच्छा नहीं रहेगी पढ़ने की। ठीक है ना, तो अपने अंदर जगह पढ़ने की इच्छा को जागृत करो। यहाँ पर इसको टाइप 3 में हम आपको वीडियो आपको डेली देखना, वीडियो आपको डेली देखना, और आपको जो इस प्रकार से मुँह से बता दोगे ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ोगे और बता दोगे कि तो इसका लघुत्तम कितना। ठीक है, बस फास्ट तरीके से कर दोगे। सिर्फ आपको वीडियो देखना है लास्ट तक। सिर्फ इसमें कुछ क्या करना है, आपको 4 बार जहाँ कितने लिखने में क्या करना है, 4 बार लिखोगे, फिर आप इस प्रकार से करोगे, फिर इस दोनों में ऐसी संख्या का भाग लगाओगे जिनमें दोनों का भाग जाता हो। तो ऐसी संख्या आपको सोचना है, देखो 4 का भाग इसमें जाता है, 4 का दोनों में जाता है, 4 का दोनों देने, 4 एकम 4, 4 3 12, दोनों में जाता दे दिया, कोई दिक्कत ना हो, किसी कोई गलत नहीं होगा, चाहे जो कोई हो गलत बिल्कुल नहीं होगा लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम ने कहा था 4 एकम 4 3 12, फिर आपका एक एक में भाग नहीं जा रहा है, एक कम एक जगह 3 एकम 3। ठीक है, दे दिया, देखो 4 का भाग जाए तो 4 के दिया, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12। अब 3 3 का इसमें तो जा रहा है ना, 3 का 1 में जाएगा। अब 1 को तो भाग 1 को देना नहीं है, वैसे 1 को तो सब में चलो होता, तुम कहो 1 को दे देता हूँ तो 1 को कोई फर्क पड़ना है, तो 1 3 3 3 एकम 3 हो गया ना पूरा। अब 1 1 आ गया तो 1 को देना ही नहीं है भाग, तो बंद कर देना। अब जितना आपका इस साइड आ गया तो वो लघुत्तम है, तो एलसीएम बराबर लिखोगे आपका 4 गुणे 3, तो कितना जाएगा 4 3 12। ठीक है जी, आगे लघुत्तम। लेकिन जी अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाओ तो इसमें 4 नहीं लग सकते, कैसे? अभाज्य 4 नहीं, कैसे भी तो सब भाज्य, तो ये तो अपन पंक्ति के तरीके से लगाए थे ना, ये मैं आपको सिंपल हो जाए। 6 और 18 का देखें तो भैया 6 18 में भी देख रहे एकदम 6 का भाग चलो जा रहा है, 6 को देंगे 6 एकम 6, इसे 6 3 18 बहुत जल्दी हो जाता है, 6 3 18 आपका भाग 3 का जाएगा, तो 3 का 3 एक जाएंगे कितने 3 एकम 3 हो गए ना। आपका लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम बराबर 6 गुणे 3 6 3 18 जाएगा, ऐसा इस प्रकार से। अगर कोई गलत नहीं है आपका, 4 जैसे कर लो इतना ही लघुत्तम आएगा 18। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।